अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनता के बीच में राजा के प्रति सोच। अब इस जगह जो हमारे इतिहासकार थे उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि इतिहास की सारी जो गुप्त काल की जो जानकारी थी वो सही ढंग से जुटा नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि राजा की छवि को जानने के लिए जो जितने भी अभिलेख थे या जितने भी साहित्य थे या जितने भी जातक कथाएं थी या जो पंचतंत्र था उन सभी की कहानियों का क्या अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और उन कहानियों के माध्यम से ही राजा की छवि को जानने का प्रयास किया, या फिर कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के इतिहास को जानने का क्या किया था, प्रयास किया था। जातक कथाएं, जातक कथाएं मैंने बता दी थी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं, ठीक है। और ये जो जातक कथाएं है वो क्या है, पाली भाषा में लिखी गई है। याद रखेंगे कि जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में, याद रखेंगे पाली भाषा, यानी कि जो जातक कथाएं लिखी गई है वो कौन सी भाषा में, पाली भाषा में लिखी गई है। और पाली भाषा में जो जातक कथा लिखी गई है उसका एक उदाहरण भी है, गंध तिंदु जातक नामक कथा। गंध तिंदु गंधतिंदु नामक जातक कथा, ये लिख लेंगे आप। गंध यानी पाली भाषा में जातक कथा का एकमात्र एक उदाहरण कौन सा है, गंधतिंदु नामक जातक कथा। और कथा का मतलब आप जानते हैं कहानी, कि एक ऐसी कहानी जिससे हम इतिहास को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जातक कथाओं में प्रसिद्ध जो एक कहानी थी वो थी आपके गंधतिंदु नामक जातक कथा। अब देखिए गंधतिंदु जो नामक जातक कथा है इसमें किस चीज का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक राजा है, कहने का मतलब एक कुटिल राजा है, और उस कुटिल राजा से प्रजा कितना दुखी है, यानी जो प्रजा थी उसकी जनता है वो उससे कितनी दुखी है, इस कहानी में बताया गया गंधतिंदु में। तो क्या होता है कि जो राजा होता है वो क्या करता है, अपनी प्रजा के बीच में जाता है वेश बदलकर, अपना भेष बदल लेता है और वो प्रजा के बीच में जाता है और ये जानने का प्रयास करता है कि उसकी जो प्रजा है वो उसके बारे में क्या सोचती है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी प्रकार का, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति है, महिला है, बच्चे हैं, किसान है, पशुपालक है, तो उन सभी से वो क्या करता है, मुलाकात करता है और ये इस चीज का जानने का प्रयास करता है कि क्या वास्तव में राजा जो शासन कर रहा है उस शासन काल में जो वहां की प्रजा है वो दुखी है या नहीं है। यहां पर मैं बेटा बात ये नहीं कर रहा हूं कि गुप्त साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि गंधतिंदु नामक एक जातक कथा है और उस जातक कथा में एक कुटिल राजा के बारे में क्या बताया गया है, वर्णन किया गया है कि उस राजा के शासनकाल में जो वहां की जनता थी, अब जो जनता है उस जनता में किस प्रकार से दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे एक महिला हो, बूढ़े पुरुष हो, पशुपालक हो जो जानवरों को पालते हैं, तो उन सभी के बारे में इस चीज को बताया गया है कि राजा ने भेष बदला और इस चीज को जानने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में मेरे साम्राज्य में कोई दुखी है या नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आज आप देखिए कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, वो रात को वेश बदल के अगर मार्केट में घूमने निकल जाए तब उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको जानेंगे नहीं कि भाई ये आईएएस अधिकारी है, तो वो वेश बदल के जानेगा, लोगों की राय जानेगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, अपराध तो नहीं है, लूटपाट तो नहीं है, तो अगर जो इस चीज से गुजरा हुआ है तो वो क्या कहेगा, अरे कि यार ये काहे के अधिकारी है, यहाँ तो ये लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कब पता चला, जब वो भेष बदल के गया। तो इस गंधतिंदु जातक कथा में भी यही है कि राजा ने अपनी प्रजा के बीच में जाने का फैसला किया और फैसला करने के पीछे का लॉजिक यही था कि वो जानना चाहता था कि उसकी जो प्रजा है क्या वास्तव में दुखी है क्या, चाहे वो बालक हो, महिला हो, किसान हो, पशुपालक हो, कोई भी हो, तो उस चीज को जानने का प्रयास किया कि क्या वो जो प्रजा है वो दुखी है या नहीं है। अब इसके तहत क्या होता है,
राजा जो है वो भेष बदल के चला जाता है, राजा ने भेष बदल लिया और वो जो प्रजा है उसके बीच में चला जाता है और ये जानने का प्रयास करता है कि उसके बारे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे वो लोगों के बीच में गया तो लोगों ने बुराई करना प्रारंभ कर दिया। भाई वो जिन लोगों के पास बैठा तो वहां पर वही बात हो रही थी, किसकी बुराई हो रही थी, राजा की बुराई हो रही थी, राजा की बुराई हो रही थी। राजा वेश बदल के गया था, पहचान में आ नहीं रहा था, तो वो सुन रहा था कि कौन सा व्यक्ति मेरे लिए क्या कहता है या मेरी बुराई किस प्रकार से करता है। ठीक है, अब देखो शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि राजा के शासन काल में रात्रि के समय जो डकैत होते हैं वो हमला करके सामान लूट कर ले जाते हैं, तो यानी कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। वो ये कहना चाहते थे कि शिकायत कर रहे थे, आपस में कह रहे थे कि राजा के शासन काल में जो डकैत जो डाकू है वो क्या है, रात्रि के समय लोगों को लूट कर चले जाते हैं या उनके ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उसकी मजबूत नहीं थी। ठीक है, और जो राजा के अधिकारी हैं वो ऐसे एक व्यक्ति से कह रहा था कि मैं दुखी हूं, क्यों, क्योंकि जो राजा के अधिकार है अधिकारी जो है वो क्या है, मनमाना जो टैक्स है वो क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। यानी कि राजा के जो भी अधिकारी है वो प्रजा से मनमाना जो टैक्स है वो क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, और यहां रहना दूभर हो चुका है, इसीलिए बहुत से जो लोग हैं वो इस जगह को छोड़कर कहां चले गए हैं, जंगलों में चले गए हैं। ये ऐसी बातें कर रहे थे वो कि राजा के जो अधिकारी मान लीजिए या राजा के प्रशासन में जो सिपाही है वो सही व्यवस्था नहीं रख रहे हैं तो डकैत या डाकू लूट के ले जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, मार काट कर लेते हैं, और उसके बाद में जो राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारी है वो भी क्या कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं, जबरन टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो इस जबरन टैक्स वसूल करने की वजह से क्या है कि ये लोग क्या है, यहां पर परेशान हो गए हैं, परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से चले गए, कहां चले गए, जंगलों में चले गए। यहां तक समझ में आ गया, बड़ा समझ में आ गया क्या यहां तक, यस सर। यानी कि कहने का मतलब राजा के प्रति लोगों का क्या विचार था, ये चीज हमने जान ली है। ठीक है, एक जातक कथा के माध्यम से जंगलों में चले गए और जंगलों में जाकर क्या कार्य करने लगे, खेतीबाड़ी का कार्य करने लगे। अगला टॉपिक है आपके उपज बढ़ाने के तरीके, कि उस समय जो गुप्त शासन काल था उसमें जो खेती में जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके ये काम में लेते थे। सबसे पहले आप लिखेंगे लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, यानी कि पहले जो हल होता था वो लोहे का नहीं होता था, पत्थर का होता था, हमने पढ़ चुके हैं पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता में। लेकिन अब ये जो लोग थे यहाँ के गुप्त शासन काल के वो क्या है, लोहे के फाल का हल जो था वो प्रयोग में लेने लग गए। नेक्स्ट, कुएं तालाब व नहरों से सिंचाई करना। लिख दीजिए बेटा कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या कार्य में लेते थे, एक तो लोहे के फाल वाला हल काम में ले लिया और सिंचाई के लिए कुएं का पानी, तालाब और नहरों के पानी से ये क्या करने लग गए, सिंचाई करने लग गए। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट है पर्वतीय
क्षेत्रों में खेती करने के लिए उदाल उदाल को प्रयोग में लेना, ठीक है। यानी जो पहाड़ी भाग है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें उदाल को काम में ले लिया। देखते हो बेटा, चौथा है गंगा की घाटी में धान की रोपाई, यानी कि जो गंगा नदी है उसकी घाटी में धान की रोपाई, जिससे क्या हो गया, उपज बढ़ गई। ये चार लिख लीजिए बेटा, उपज बढ़ने के तरीके, कि यहां पर उपज किस प्रकार से बढ़ी। पहला मैंने बताया कि लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करने लग गए, यानी जो हल का जो आगे का फाल होता है, आप देखेंगे, आप बेल से जो हल जोता जाता है खेतों में, बेल, तो देखना हल के आगे एक लोहे का एक सिस्टम लगा हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार का, तो ये लोहे का फाल होता है। तो ये लोहे का फाल अब वो क्या करने लग गए, हल के रूप में प्रयोग में लेने लग गए। उसके बाद में उपज बढ़ाने के लिए कुएं, तालाब व नहरों से सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया। ये तो नॉर्मल हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है, पत्थर वाले एरिया, वहां की जमीन को खेती के लिए बनाने के लिए किसका प्रयोग, कुदाल, कुल्हाड़ी होती है, कुदाल, गेती, अपने फावड़ा, इस प्रकार का यंत्र है, जिससे अपन क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों को या पत्थरों को हटा हटाकर उस जमीन को खेती के लायक बना देंगे, ठीक है। तो कुदाल का प्रयोग करने लग गए। और जो गंगा नदी की जो घाटी है, पानी भरा रहता है, पानी है, तो उसमें किसकी रोपाई करने लगे, धान। धान क्या होता है बेटा, धान कौन सी फसल है, बेटा धान कौन सी फसल है, चावल। चावल, यानी धान क्या है, चावल, धान चावल है, ठीक है। और आपको पता है कि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लिख लिया बेटा। यस सर, मिटा दूं ना, हाँ। अब नेक्स्ट लिखिए, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, यानी कि ग्रामीण जो समाज था उसमें विभिन्नताएं किस प्रकार से आ गई, किस प्रकार से अंतर दिखा। आप देखिए, एक चीज आप देखिए, इसमें पहला जो आप टॉपिक लिखेंगे वो लिखो कि कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद, कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज बढ़ी, कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज बढ़ी, किंतु इसका लाभ सबको नहीं हुआ, किंतु इसका लाभ सबको नहीं हुआ। लिख लीजिए आप पहला पॉइंट कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं कैसे पैदा हुई, कि कृषि की नई तकनीक आ गई,
उपज बढ़ाने की नई तकनीक काम में ले गए, उपज बढ़ भी गई, ठीक है, नई तकनीक काम में ली, नई तकनीक से उपज बढ़ गई, लेकिन इस उपज से जो लाभ हुआ वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति को नहीं हुआ, यानी इसका लाभ सबको नहीं हुआ, तो समानता नहीं रही, विभिन्नता आ गई। नेक्स्ट देखो, खेती से जुड़े लोगों में, खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता चला गया, क्यों? क्योंकि नई तकनीक आ गई, कृषि उपज बढ़ गई, अब कोई किसी की ज्यादा कृषि हो गई, किसी का कम है, किसी के ज्यादा उत्पादन हो गया, किसी के कम हो गया, तो आपस में क्या हो गई, द्वेषता होने लग गई, आपस में भेद बढ़ता चला गया। हो गया बेटा यहां तक? नेक्स्ट लिख लो, बौद्ध कथाओं में बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान भूमिहीन किसान श्रमिक तथा जमींदार का उल्लेख मिलता है। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, अब देखो बौद्ध कथाएं जो लिखी गई कहानियां, हम समाज में विभिन्नताएं देख रहे हैं, कुछ किसान ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ किसान ऐसे थे जो औरों के खेतों में काम करते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे, जमींदार, जिनके पास जमीन का बहुत ज्यादा टुकड़ा हुआ करता था। तो बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान श्रमिक तथा जमींदारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा? यस सर। फिर पांच वाली को, बड़े बड़े जमींदार, यानी जो जमींदार थे जिनके पास जमीन का बहुत ज्यादा टुकड़ा हुआ करता था, वो क्या है, बड़े बड़े जमींदार और गांव के जो प्रधान होते थे वो शक्तिशाली होते थे। बड़े बड़े जमींदार तथा गांव के प्रधान शक्तिशाली थे। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदार तथा गांव के प्रधान शक्तिशाली थे। जो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, जो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, जो किसानों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे, नेक्स्ट गांव के प्रधान का पद, गांव के प्रधान का पद गांव के प्रधान का पद वंशानुगत होता था। गांव के प्रधान का पद
वंशानुगत होता था, लिख लिए बेटा, लिख लिए। लिख लिया बेटा? यस सर। यानी कि हमने ये जो टॉपिक देखा कि जो ग्रामीण समाज था उसमें प्रमुख जो विभिन्नताएं थी वो क्या क्या आ गई थी। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कृषि की जो नई तकनीक है वो आ गई थी, उपज बढ़ गई, लेकिन उसके बाद में इसका जो लाभ हुआ वो सबको नहीं हुआ। पहला देख लीजिए आप कि नई तकनीक आई, उपज बढ़ गई, और उपज बढ़ने के बाद इसका जो लाभ होना था वो सबको नहीं हुआ, पहला हो गया। दूसरा देखिए, खेती से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें जो है भेद बढ़ता चला गया। तीसरा, जो बोध कथाएं जो कहानियां हैं उनमें भूमिहीन किसान के बारे में बताया गया है, श्रमिक के बारे में बताया गया है, और जमींदार के बारे में बताया गया है। चौथा है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, मैंने बताया जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो गांव के प्रधान होते थे, गांव का जो मुखिया, वो क्या होता था, शक्तिशाली होता था। यानी गांव का बड़ा जमींदार और जो प्रधान होता था वो क्या होता था, शक्तिशाली होता था, जो किसानों के ऊपर अपना कंट्रोल रखता था। यानी जो भी किसान होते थे वो इन प्रधान और जमींदारों के नियंत्रण में रहते थे। उसके बाद में गांव का जो प्रधान है उसका जो पद है वो क्या होता था, वंशानुगत होता था। और वंशानुगत के बारे में आप जानते हैं, वंशानुगत की डेफिनेशन आप जानते हैं ना, वंशानुगत यानी कि कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो उसकी जगह उसके पद पे बैठेगा उसका बेटा, फिर वो खत्म हो गया तो उसके पद पे उसका बेटा, वंश वाइज चलने वाला। तो जो गांव का प्रधान होता था वो क्या होता था, वंशानुगत होता था। लिख लिया बेटा, मिटा दूं? यस सर। एक शब्द हो रहा है आपकी इस किताब में, वो लिख लीजिए आप, गहपति। गहपति और गहपति इसके नाम से आप जान लीजिए, गह का मतलब, गह का मतलब घर मान लो, पति का मतलब मुखिया मान लो, तो यानी घर का मुखिया। यानी गहपति, गहपति नाम का एक पद होता था उस समय, जैसे प्रधान हो गया जो मुखिया होता है, गहपति हो गया एक प्रकार से एक पद। तो इस गहपति के बारे में लिख लीजिए, गहपति घर का मुखिया होता था, गहपति घर का मुखिया होता था। यानी जो गहपति होता था वो घर का मुखिया हुआ करता था, और इसकी ड्यूटी क्या थी, इसकी ड्यूटी क्या थी कि यह घर के, यह घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था।
यानी जो गृहपति होता था वो घर का मुखिया होता था, यानी घर के मुखिया को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, गृहपति। और गृहपति घर का मुखिया होता था, और ये क्या करता था कि घर की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो नौकर है या जो दास है, उनके ऊपर क्या करता था, ये नियंत्रण रखता था। भाई गृहपति घर का मालिक हो गया, तो कहने का मतलब एक चीज और है, घर से जुड़ी भूमि, यानी कि घर से जुड़ी जो भूमि या जमीन थी या जानवर थे या अन्य सभी वस्तुएं, भूमि जानवर तथा अन्य सभी वस्तुएं, यानी कि घर से जुड़ी हुई जमीन, घर से जुड़े हुए जानवर या घर से जुड़ी हुई जितनी भी जो वस्तुएं हैं, वो क्या होता है, इसका मालिक होता था। ये लिख लीजिए गृहपति के बारे में, गृहपति के बारे में लिख लीजिए कि गृहपति, गृहपति घर का मुखिया होता था, गृहपति घर का मुखिया होता था, वह घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों तथा दासों पर नियंत्रण रखता था, वह घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था तथा घर से जुड़ी भूमि, यानी गृहपति घर से रिलेटेड है तो घर से बाहर तो हो ही नहीं सकता इसका कुछ, तो घर से जुड़ी भूमि, जानवर तथा अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था, तथा घर से जुड़ी भूमि, जानवर तथा अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। निकलिए बेटा। यस सर, यस सर। एक चीज और लिख लीजिए नोट बेटा, एक बार आप लिख लीजिए, मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन क्लास में कौन कौन है, एक बार आप एक चीज लिखते जाइए, मैं लिखवा देता हूँ, लिखते जाओ बेटा, कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य में, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, गांव में आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, यानी कि जो तमिल संगम साहित्य है, हम पढ़ चुके हैं दक्षिणी भारत के तमिल जो संगम साहित्य है उसमें भी कुछ गांव का जो वर्ग है उसके बारे में बता रखा है कि उस समय भी गांव में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे, जैसे अब लिख लीजिए, जैसे जैसे अब कौन कौन से वर्ग देखो, वेल्लार, वे ला रे, वेल्लार, या फिर कह सकते हैं वेल्लार जो थे वो थे
बड़े जमींदार, यानी कि दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में जो तमिल संगम साहित्य है वो ये कह रहा है कि गांव में अन्य और कई वर्ग रहते थे जिनके नाम इस प्रकार से हैं, वेल्लार यानी कि बड़े जमींदार। और इनका कार्य क्या होता था बड़े जमींदार या वेल्लार का? कृषि व्यवसाय। ये लो, कृषि व्यवसाय याद रखेंगे। वेल्लार क्या काम करता था? बड़ा जमींदार था, खेत से रिलेटेड, खेती से। तो ये क्या होता था? कृषि और व्यवसाय से रिलेटेड इसके कार्य होते थे। बेटा टाइम हो गया, लेफ्ट हो जाओ बेटा, बेटा लेफ्ट हो जाइए, टाइम हो गया, लीव हो जाइए मीटिंग से। बेटा मीटिंग से लीव। बेटा मीटिंग से लीव। खुशबू